नहीं, हम लोगों को कल ही सूचना मिली है कि गुजरात में पुल टूटने से, केबल पुल जो है वो टूटने से कई लोगों की जानें चली गई हैं, कई लोग जो है अब तक लापता हैं, उनका पता नहीं चल पा रहा। बहुत ही बड़ी घटना हुई है और ऐसा हम लोगों ने अंदाज़ा नहीं किया था, कल्पना नहीं की थी। लेकिन एक दुखद खबर जो गुजरात से आया है, इसको लेकर के हम लोग सब लोग मर्माहत हैं और ख़ास तौर पर छठ पर्व के अवसर पर बहुत लोग जो है जा रहे थे और ऐसी घटना हुई है। हमको लगता है कि जो भी अधिकारी इसमें दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे अधिकारियों को बख्शना नहीं चाहिए, ऐसी घटना एकदम नहीं होनी चाहिए। और हमने जो सुना है कि वहाँ के नगर निगम को कोई पता ही नहीं था, ना उन्होंने परमिशन दिया था। जब परमिशन नहीं दिया गया तो 4-5 दिन पहले पुल कैसे खुला? सारी व्यवस्था देखे और 4-5 दिनों तक प्रशासन कर क्या रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि इसकी जांच होगी और जांच के बाद ही जो है क्या कारण जो है जिस वजह से ये पुल टूटी है वो पता चल पाएगा। लेकिन फिर भी जो अधिकारी हैं उनको तो तात्कालीन जो है निलंबित कर देना चाहिए। आप बताइए कि प्रशासन ने जब अनुमति दी ही नहीं या 4 दिन बाद तक उनको पता ही नहीं चल रहा है कि पुल भी खुल गया है, लोग जा रहे हैं और उससे पहले 10,000 श्रद्धालु जो है क्रॉस किए हैं, तब भी प्रशासन को नहीं पता, तो एक जो है को कोई चीज़ की खबर नहीं है। और इतनी बड़ी संख्या में भीड़ क्राउड जो है पुल का इस्तेमाल कर रहा है, तब भी कैसे नहीं पता? यानी सरकार जो है सोई हुई है, प्रशासन के लोग सोए हुए हैं। तो ऐसी घटना जो हुई है दुखद है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो लोग इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई से सरकार को बचना नहीं चाहिए और हमारी पूरी संवेदना उन परिजनों के साथ है, हम लोग उनके साथ खड़े हैं।